माननीय अश्विन वैष्णव जी से कि आपको संबोधित करें। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका और मिस्र की यात्रा भी संपूर्ण की है। इस विजिट का क्या देश के लिए मायने है, क्या दुनिया के लिए मायने है, किस तरह से हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को, किस तरह से हमारे इंडस्ट्री को और किस तरह से हमारे फ्यूचर को स्ट्रांग करने का इसमें एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, उसके बारे में मैं आपसे कुछ चर्चा करूंगा। आप सभी जानते हैं अमेरिका एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास पॉलिटिकल पावर है, इकोनॉमिक सुपर पावर है, दुनिया में जो वर्ल्ड ऑर्डर है उस वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका की एक अलग वजूद है। ऐसे देश ने आज भारत को एक बराबर के पार्टनर ऑफ इक्वल पार्टनर वाली जो भावना के साथ एक्सेप्ट किया है, एक उस तरह से समझौते किए हैं जिसमें भारत और अमेरिका दोनों मिलके काम करें, वो एक बहुत बड़ा मेजर, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से 5वें नंबर पे लेके आए, जिस तरह से टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, जिस तरह से हाईटेक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान हब बनने लगा, और जो स्टेप्स भविष्य में जिस तरह से आज जिसकी फाउंडेशन ले हो रही है, उन सब चीजों को देखते हुए और एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, एक जो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में रखी, जिसमें राष्ट्र हित को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखी, देश का हित किस चीज में उसके हिसाब से सारे फैसले हो, इन सब चीजों को देखते हुए विश्व में आज भारत की एक अलग पहचान बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी को जिस तरह से रिसीव किया गया, जिस तरह से उनके कार्यक्रम हुए और जो समझौते हुए, वो इन सब बातों को आप समेटे अगर 9 वर्षों का कार्यकाल, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, आत्मनिर्भर भारत में नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने का जो कॉन्फिडेंस है, जो एक लेवल है कि हम कर सकते हैं, नई से नई डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चीज को हम डेवलप कर सकते हैं, इन सब का निचोड़ है इस विजिट का सारांश है। हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है जब हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस के लॉन्स सभी भारतीयों के लिए खोले गए, जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री जी के यूएस कांग्रेस के जॉइंट सेशन में एक जेन्युइन स्टैंडिंग ओवेशन बार 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 होता है, स्पीकर तक खड़े होके स्टैंडिंग ओवेशन में भाग लेते हैं अमेरिका के, ये जो सम्मान है, ये सम्मान देश के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है। जिस लेवल पे आज भारत को पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में अपने कार्यकाल में पहुंचाया है, जिस पॉइंट पे, जिस हाइट तक लेके आए, वो उसका सम्मान है, उसका रिकग्निशन है। जैसे हम इसमें समझौते हुए उनकी अगर बात करें, एक एक समझौते को आप लो, एक समय था जब टेक्नोलॉजी के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहा करते थे। हमारा यूएस, जब भी भारत सरकार से कोई भी यूएस जाते थे तो वहां पे आधी से ज्यादा बातचीत होती थी कश्मीर की, पाकिस्तान की, इस तरह के एक अलग ही नैरेटिव रहता था। आज आप देखो इस स्टेट विजिट में, प्रधानमंत्री जी की स्टेट विजिट में प्राइमरी फोकस रहा कि हम दो ऐसे देश हैं जिनके पास आज टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की ताकत है, तो ये दोनों देश मिलके क्या कर सकते हैं। आप ये जो फंडामेंटल चेंज आया है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे है।
इतना बड़ा चेंज आया ये कि हम दोनों मिलके क्या कर सकते हैं, सेमीकंडक्टर हो, जेट इंजन हो, डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, एआई में कोलैबोरेशन हो, स्पेस में कोलैबोरेशन हो, इन सब में दी थॉट प्रोसेस हैज चेंज्ड 180 डिग्री फ्रॉम द पास्ट इन विच अर्लियर इंडिया वॉज नेवर कंसिडर्ड एज अ जॉइंट डेवलपमेंट पार्टनर. टुडे इंडिया इज कंसिडर्ड एज अ जॉइंट डेवलपर, एज अ पार्टनर ऑफ पार्टनर हु कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी. दैट्स द फंडामेंटल शिफ्ट, इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट. और जियो पोलिटिकल सिचुएशन में भारत को एक बराबर का पार्टनर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन इस तरह से ले कि भारत और अमेरिका एक मेजर फोर्स बने, मेजर ड्राइव बने, मेजर एक जो दुनिया के जितनी भी आज प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बने. इन सब का रिफ्लेक्शन होता है प्रेसिडेंट बाइडेन के एक स्टेटमेंट में. जब प्रेसिडेंट बाइडेन कहते हैं कि दिस रिलेशनशिप विल बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप ऑफ द 21st सेंचुरी, जब वो कहते हैं कि दिस इज द मोस्ट डिफाइनिंग रिलेशनशिप इन द 21st सेंचुरी ऑन द जियोपॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, ये उससे रिफ्लेक्ट होता है. कोई भी इस्लामिक कंट्री हो, कोई भी दूसरी देश हो, आज सब देश भारत को, मोदी जी के लीडरशिप को, उसमें एक ट्रस्ट दिखा रहे हैं. एक नया एक ट्रस्ट है, एक क्लैरिटी ऑफ पर्पस है, जिस क्लैरिटी ऑफ पर्पस के साथ भारत के साथ एंगेज हो रहा है. इजिप्ट में अगर हाईएस्ट ऑर्डर उनका द ऑर्डर ऑफ द नाइल वो मोदी जी को देते हैं तो वो भारत के हर देशवासी के लिए गर्व की बात है. तो साथियों, इस पूरे विजिट में जो मेजर चेंज आया है भारत की ग्लोबल पोजीशनिंग में, दुनिया में भारत को, दुनिया आज भारत में जिस तरह से दुनिया भारत को देखती है वो इस विजिट से रिफ्लेक्ट होता है. न केवल यूएस में बल्कि यूरोप में, अफ्रीका में, साउथ ईस्ट एशिया में, सब जगह आज इस विजिट की डिस्कशन है, इसकी चर्चा है. और इस विजिट के बारे में लोग दुनिया में क्या परिवर्तन आया बड़ा, उसको इस विजिट को उसका एक माइलस्टोन मान रहे हैं. मैं यहाँ पे समराइज करता हूं और जो कुछ बड़े समझौते हुए उसके बारे में डिटेल्स रखूंगा, 5 या 6 पॉइंट्स रखूंगा. एक तो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में 35 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हाथ में लिए गए. इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मतलब हुआ क्वांटम टेक्नोलॉजीज, एआई, क्रिटिकल मिनरल्स, स्पेस टेक्नोलॉजीज, इन सब में सेमीकंडक्टर, इन सब में जॉइंट रिसर्च के 35 इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स लिए गए. सेकंड, टेलीकॉम में भारत के 4G 5G टेलीकॉम स्टैक को अमेरिका ने इवैल्यूएट किया. इवैल्यूएशन के बाद में क्लियर जब उनको लगा कि दिस इज अ वेरी वेरी एडवांस्ड टेलीकॉम स्टैक, दुनिया के शायद कोई बहुत कम टेलीकॉम टेक्नोलॉजी स्टैक्स हैं जो कि वर्चुअलाइज्ड है, यानी हार्डवेयर एक का हो सकता है, सॉफ्टवेयर किसी का भी हो सकता है. इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो लिंक होता है उसको तोड़ा गया है भारत ने जो बनाया उसमें. तो दैट्स अ वेरी एडवांस्ड वे. तो इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है ओपन रैन. ओपन रैन के लिए यूएस और इंडिया ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे. यूएस और इंडिया ओपन रैन का ज्वाइंट डेवलपमेंट करेंगे. क्वांटम कंप्यूटिंग, AI और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मैंने बोला जॉइंट रिसर्च करेंगे. और जेट इंजन का मैन्युफैक्चर भारत में होगा. अगेन दिस इज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट. जेट इंजन अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होती है. एक एक जेट इंजन के अंदर हजारों की संख्या में सेंसर्स लगते हैं. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिजिकल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसका होता है.
उसको हिंदुस्तान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में मैन्युफैक्चर किया जाएगा। सेमीकंडक्टर से रिलेटेड तीन बड़े अग्रीमेंट्स हुए। पहला माइक्रोन टेक्नोलॉजी का, इसमें कुछ लोग एक भ्रामक बात फैला रहे हैं, मैं उसका जवाब भी देना चाहूंगा। अगर हम देखें ये वेफर है, ये वाला एक वेफर है, इस वेफर में बारीकी से नैनोमीटर, नैनोमीटर का मतलब आप आंख से नहीं देख पाएंगे इसको, अगर नाखून की नोक अगर हम लें उसका 1 करोड़वा बारीकी से, 1 करोड़ टाइम्स बारीक, इतना बारीक, इतना छोटा इसके अंदर चिप्स होती है। इस वेफर के अंदर 20,000 से ज्यादा चिप्स हैं, 20,000 से ज्यादा चिप्स हैं। इतना सा वेफर दिखता है ये, लेकिन इसके अंदर 20,000 से ज्यादा चिप्स हैं। इनको, इस वेफर को फिनिश करना, वेफर को फिनिश करके इसके अंदर जो बिल्कुल नैनोमीटर्स के चिप्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट करके उनको फिर चिप बनाना, इसको ये जो चिप बनी है ये चिप मैन्युफैक्चर करना। मैन्युफैक्चर कर रहे हो चाहे ट्रेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, 25 लाख इसमें एम्प्लॉयमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में। हम सबने देखा लेजर कितनी फोकस्ड होती है, राइट? लेजर हम देखते हैं एकदम फोकस्ड होती है, लेजर से भी अगर 1 लाख गुना फाइननेस चाहिए तो वो प्लाज्मा से आती है। वो इक्विपमेंट अप्लाइड मटेरियल बनाती है, उन इक्विपमेंट्स को हिंदुस्तान में डिजाइन करेंगे $400 मिलियन के इन्वेस्टमेंट से, और हिंदुस्तान में उसके कंपोनेंट्स और अल्टीमेटली मशीन भी मैन्युफैक्चर होगी। और दूसरा, तीसरा लैम रिसर्च, जो कि 60,000 इंजीनियर्स को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग देंगे, जो 104 यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप किया है पिछले, जब से सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च हुआ उसके बाद से, उस सब में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर है। तो चाहे क्लीन एनर्जी में कोऑपरेशन हो, डिफेंस में कोऑपरेशन हो, चाहे क्वांटम में कोऑपरेशन हो, टेलीकॉम में कोऑपरेशन हो, उन सब में आज यूएस और इंडिया भागीदार होंगे, जॉइंट डेवलपर्स होंगे, को क्रिएटर्स होंगे, और एक ऐसी पार्टनरशिप जिसमें दोनों के दोनों देश मिलके नई टेक्नोलॉजी बनाएंगे, ये इसका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण टेक अवे है। पहला विषय, माइक्रोन करीब 6 क्वार्टर्स यानी 1.5 वर्ष में प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगा। ये भी रिकॉर्ड टाइम बनेगा, रिकॉर्ड टाइम में प्रोडक्शन होगा। किसी भी देश में नई इंडस्ट्री स्थापित करना, नई इंडस्ट्री, नई फैक्ट्री स्थापित करना और उसमें पहला प्रोडक्शन 1.5 वर्ष के अंदर अंदर आना, तो December 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं, जिसमें पहली मेड इन इंडिया चिप, सेमीकंडक्टर चिप बन के निकलेगी। दूसरा आपका प्रश्न वेदांता से रिलेटेड है। वेदांता फॉक्सकॉन का जो प्रपोजल है, आपने देखा कि जैसे जैसे इंडस्ट्री की फीडबैक मिली उसके फीडबैक के हिसाब से सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को मॉडिफाई किया गया, तो मॉडिफिकेशन के हिसाब से जो भी एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स थे उन सबको ऑप्शन है कि वो मॉडिफिकेशन के हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को रीसबमिट करें, तो जब वो रीसबमिट करेंगे उस हिसाब तब उनका इवेल्यूएशन होगा। तीसरा, शहर कौन सा है? सानंद शहर है, जिसमें माइक्रोन के सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, उन सब ऑप्शंस में से उन्होंने सानंद को चूज किया है, वहां पे वो लोग प्लांट लगाएंगे, वहां हर तरह की इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज है, वाटर सप्लाई इसमें बहुत अल्ट्रा मेगा अल्ट्रा पावर अल्ट्रा प्योर चाहिए,
पावर सप्लाई एकदम स्टेबल चाहिए, अल्ट्रा स्टेबल चाहिए, वो सब चीजें सारी की सारी फैसिलिटीज वहां पर है। संजय शर्मा सर, आपने से कहा कि 40 साल से भारत कोशिश कर रहा है सेमीकंडक्टर के लिए, आप जब से आईटी मंत्री बने तब से आपने काफी जोर दिया सेमीकंडक्टर पे, क्या अभी तक भारत में इसको लेकर कुछ कमी थी, अभी तक हम लोग कर नहीं पा रहे थे? बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री है और बहुत ही साइक्लिकल इंडस्ट्री होती है और हाईली हाईली कैपिटल इंटेंसिव होती है। इसमें जैसे पावर फ्लक्चुएशन की अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे, अगर एक सेकंड पावर फ्लक्चुएशन हो जाता है तो पूरे दिन भर का प्रोडक्शन खत्म हो जाता है। तो इसमें जो भी इंडस्ट्री, दुनिया भर की इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, वो सब के सब बहुत ही केयरफुली स्टेप लेती है। तो पिछले 9 वर्षों में जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को ग्रो किया और दूसरे कई ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिससे कि आज टेक्नोलॉजी में देश का एक महत्वपूर्ण स्थान बना दुनिया भर में, उससे कॉन्फिडेंस आया है। उस कॉन्फिडेंस का रिजल्ट है कि आज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हिंदुस्तान में आई है। नीरज पांडे, देखिए बहुत ही गलत एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जो बिल्कुल भी तथ्यों पर आधारित नहीं है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ सभी के देवता हैं, सभी को समान तरीके से आशीर्वाद देते हैं, कोई भेदभाव की बात नहीं है। हौज खास मंदिर है, आप जाके देख लीजिए, महाप्रभु दो बार जो आप देखते हैं उस दरवाजे का जो स्वरूप है, एक बार जब रथ यात्रा के समय बाहर आते हैं और दूसरी बार जब रथ यात्रा समाप्त करके अंदर जाते हैं तब उस दरवाजे का शेप चेंज होता है। तो आप अगर जिस दिन रथ यात्रा के लिए महाप्रभु बाहर निकले उस दिन अगर आप जाएंगे तो आपको एक अलग फोटो दिखेगा। उसके अलावा किसी भी दिन जाएंगे, कोई भी जाए, कोई भी व्यक्ति जाए, उन सबको एक ही फोटो रहेगा, एक ही तरह का दर्शन रहेगा, कोई भेदभाव नहीं है। किस दिन आप जाते हैं उस पर निर्भर करता है, कोई इसमें भेदभाव की बात नहीं है। इसका गलत नैरेटिव को आप लोग समझदार हैं, इसको सही रखें। आज दुनिया भर में एकदम स्पष्ट है कि सेमीकंडक्टर का नेक्स्ट बिग डेस्टिनेशन हिंदुस्तान होगा। अभी जिस तरह से सारी कंपनीज ने भारत को एक अलग नजर से देखा है और यूएस और इंडिया के बीच में एक एमओयू साइन हुआ है 3 महीने पहले सेमीकंडक्टर कोऑपरेशन में, जिसका परिणाम है माननीय प्रधानमंत्री जी के स्टेट विजिट के दौरान सेमीकंडक्टर से रिलेटेड 3 बड़े अग्रीमेंट्स हुए। तो आज दुनिया भर में एकदम स्पष्ट है कि अगला बड़ा डेस्टिनेशन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का हिंदुस्तान होगा। इसके कई कारण है, पहला टैलेंट, दूसरा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ऑलमोस्ट डबल हो रही है अगले 6 वर्षों में, तीसरा भारत की अपनी रिक्वायरमेंट और भारत में प्रेजेंट करीब करीब 50,000 से ज्यादा डिजाइन टैलेंट, डिजाइन इंजीनियर्स, चौथा मोदी जी ने जो सेमीकंडक्टर प्रोग्राम बनाया उसमें कमिट किया है 80,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स डेवलप करेंगे, जो किसी दुनिया के किसी देश ने इस तरह का कमिटमेंट नहीं दिया। तो ये एक इतना बड़ा गेम चेंजिंग पॉलिसी डिसीजन लिया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जिसके कारण सारी दुनिया आज क्लियर है कि हिंदुस्तान में ही अगला बड़ा सेमीकंडक्टर का डेस्टिनेशन बनने वाला है। वो अपना फ्रस्ट्रेशन छुपा रहे हैं, उनका फ्रस्ट्रेशन है, कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन है कि उन्होंने 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, 80 में ट्राई किया, 90 में ट्राई किया, 2000 में,
2010 में वापस ट्राई किया, तीनों बार वो फेल हुए। तीन बार उन्होंने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में लाने का कोशिश की, तीनों बार फेल हुए। देखो बड़ा फर्क होता है, भारत के प्रधानमंत्री यूएस की स्टेट विजिट में जाए, किस चीज पे फोकस करे, टेक्नोलॉजी पे फोकस करे, पार्टनरशिप पे फोकस करे, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में फोकस करे, या एक ऐसे भी प्रधानमंत्री थे जिनका फोकस वहां के प्रेसिडेंट के रिलेटिव्स में था, कैनेडी साहब के कुछ रिलेटिव्स में ज्यादा फोकस था नेहरू जी का। आज फोकस क्लियर है टेक्नोलॉजी पे, वर्ल्ड में क्या पोजीशन बननी है उस पे, जॉइंट डेवलपमेंट कैसे होगा टेक्नोलॉजी का उस पे, दुनिया में कैसे एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की पोजीशन बने उस पे। ये बहुत एक माइंडसेट का डिफरेंस है। तो आज जो कांग्रेस के कमेंट्स आ रहे हैं ना, वो उसके उनके फ्रस्ट्रेशन का परिणाम है। बस धन्यवाद, आप रहने दीजिए, अगले दिन।